राम राम जी। तो मैं आपका भाई जीत पवार फिर एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो भाई अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखी होगी ना, मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था बलिन से, नई वाली बलिन होती जो अपनी, उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो मैं रात के टाइम भाई उसको लेके जा रहा था, कहानी बता दूं आप लोगों को। पहले आप देखो एक्सीडेंट कैसे और कहाँ हुआ, फिर आपको फिर बताता हूँ मैं एक्सीडेंट कैसे हुआ था मेरा। खतरा जा गई भाई साहब, तो ज्यादा आफत कर रखी है रे भाई जितेंद्र। सो गाइस आज ना मैं बड़े दुख के साथ आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, बलिनो की बिल्ड क्वालिटी यार। मतलब ना गाड़ी ये देखो यार, रिम ही मुड़ गया गाड़ी का ना, और जो ड्राइवर थे अपने जीतू भाई, अब उनसे मिलाता हूँ कि मतलब क्या चीज हुई इनके साथ, कैसे कैसे मतलब भाई कैसे एक्सीडेंट करवा लिया यार। मैं इतनी मना करूं मैं कि एकदम चुप मत भगेगा तू गाड़ी लेकर, पर एकदम चुप लेकर भगेगा। मेरी कहावत है ये रोड देख से गाड़ी भाई, मोटर गाड़ी बड़ी दुआ बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी नहीं पटी जाए, मैं कहा करूं भैया की गलती ना, कंपनी की गलती है, कंपनी की गलती है, ऐसी हल्की बिल्ड क्वालिटी की गाड़ी बना रही है। तीन कंपनी ना कमाल कर दी है, मैं कह रहा टायर और रिम फट गए, हद की बात है यार, एयर बैग भी खुल गए। बड़ी गाड़ी देख रहे हो गाड़ी पे जोर लग रहा भाई, अब तो लग जाएगी भाई यहीं से, भाई लग जाएगी अब तो, ब्रेक लग ले। अगली साइड सारी खत्म हो गई भाई, ये टायर तो स्टेपनी का अपना नया था, ये वाला दे दिया स्टेपनी के टूल किट, ये गाड़ी में छोड़ दी हमने। और भाई ये अंदर कुछ ऐसी दोनों कंडीशन है। तो भाई अब इस चीज़ से एक सबक तो मिल गया, आज के बाद कभी भी ऐसी गाड़ी को छोटी गाड़ी को ज़्यादा स्पीड में ना चलाएं, स्पीड भी भाई कुछ नहीं था, ऐसे रोड पे भी ना चलाओ भाई, मारुति ये कहती है ऐसे रोड नहीं, इसके लिए तो हाईवे चाहिए। मेरा हाईवे पे भी ना चलेगी, हाईवे पे ना भाई, ये तो टीन है, टीन दे रहा हूँ मारुति वाले कह के, और हैवी गाड़ी बनवाओ। अब तो भाई इंडिवर पजेरो आ रही नहीं, देखो पजेरो ही लेंगे पर नहीं हैं, नहीं पन्नी फाड़ इस साइड से तो देखो लगी भी नहीं रही, ऐसे को गाड़ी लगी है यार। मेरे को ये समझ में ना, इतनी गाड़ी का एक्सीडेंट भी ना हुआ तगड़ा, और एयर बैग कैसे खुल गए भाई, पता नहीं कोई यहाँ कोई हिट हुई है, यहीं से कोई सेंसर है भाई जिसमें हिट हुआ है और दोनों एयर बैग खुले हैं भाई। भाई राम जानी टायर तो बच गया, टायर भी फट गया भाई, और ये जिम भी गया, ये साइड से भी गई। चलो भाई कोई ना, गाड़ी करवा के शोरूम पर पहुंचवाता हूँ, तो देखते हैं उसके बाद इंश्योरेंस है वैसे तो भाई कितना तक यार, गाड़ी लोगों का जावे हैं बहुत, तो कहूँ मैंने तो दो तीन बार फेस कर रखा है, एक बार ही करो, मैंने तो एक बार बैठ कर गया, मैं पर बोलता है हम बैठ के मेरे एक्सीडेंट हो गया ट्रक वाले से। एक चीज़ है भाई मारुति वाले ने, एयर बैग खुल गए यार, ये बहुत बहुत मारुति मार जिंदगी बार में पहली बार कोई बढ़िया चीज़ लगी है, मारुति कहना चाहती है कि ऐसे रोड पे मत चलाओ, हाईवे पे चलाओ, हाईवे पे मत चलाओ भाई, इसको घर रखो, घर रखो सजा के, इस चीज से सबक मिला है आज भाई, कुटवा भी बहुत है तेरी साजिश होगी तेन कुटवाया होगा कहना भी चाहिए। मेरी गलती है, इसके ट्रैक्टर से आए जाएंगे।
तो देखा होगा भाई आप लोगों ने गाड़ी का ना एक राइट साइड या ड्राइवर साइड की आगे तो पूरी हिट हो गई, टायर भी फट गया था। मैं रात के टाइम जा रहा था भाई, 9-10 के टाइम था, यहाँ पे मैं भाई के लड़के को लेने जा रहा था, लड़के लड़के को स्कूल में फंक्शन था भाई, तो भाई मैं जा रहा था तो उस टाइम में गाड़ी की स्पीड भी 50-60 की, रोड भी ऐसा था आप लोगों ने देखा होगा वो पक्का रोड नहीं था, उस पर वो डली हुई थी, रोड ही डली हुई थी, तो सामने से एक बलेरो गाड़ी आती है भाई और उसकी साइड को पिछले अगली वाली साइड में ड्राइवर साइड लगती है भाई, बलेरो ने 3 पलटे खाए थे और एकदम मेरे को कुछ नहीं दिखा, एयरबैग खुल गया भाई गाड़ी के, गाड़ी ज्यादा हिट नहीं थी, इस साइड से लगी थी, पिछले वाले टायर में लगी थी उसकी भाई, और वो गाड़ी पूरी 3-4 पलटा खा गई, वो तो भाई थोड़ी चोट लगी थी मेरे यहाँ पे, ज्यादा चोट लगी नहीं, वो तो ऊपर वाले का दिन था भाई, सही अच्छा था जो आज साथ भाई शूट कर रहा हूँ, तो यही है मेरा कहना भाई, और थोड़ा आराम से चलाएगा। और भाई बहुत भाई बोलते हैं कि भाई सीट बेल्ट लगा के चला करो उससे एयरबैग खुल जाता है, सीट बेल्ट भाई सेफ्टी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोग यूज़ किया करो, पर उस टाइम मैंने उस दिन भाई सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई थी, फिर भी एयरबैग खुल गई, ये मेरे को कुछ समझ से बाहर हुआ कैसे खुल गई भाई, और शायद कोई सेंसर था उसका, उसी में चोट लगी थी, क्योंकि मेरे से बली में ये भी 2-3 बार एक्सीडेंट हो गई, इसमें अभी तक एयरबैग नहीं खुले इसके, उसके खुल गए, और भाई उसको शोरूम पर छोड़ के आ गए थे हम, शोरूम से तो भाई आ गया आज उसको 20-25 दिनों का। और भाई उसकी एक कहानी बताऊं तो मैंने, जैसे वो इंश्योरेंस वाले फोन करते रहते हैं ना एक्सपायर होने से पहले, भाई आप इंश्योरेंस करा लो, तो मैंने 5 दिन पहले एक्सपायर होने से इंश्योरेंस अपना करा लिया, और गाड़ी ठोक गई भाई झट। अब वो पुराने वाले इंश्योरेंस वाले के आप उससे कराओ और वो नए वाले के उससे कराओ, तो लॉजिक तो बनता है पुराने वाले से, तो भाई मैंने टोइंग वाली जो बुलाई थी वो आई थी मेरे पुराने वालों से, तो भाई वो कहने लगे कि भाई आपका नहीं होगा इससे इंश्योरेंस में काम, भाई 5 दिन उन्होंने खड़े रखे, क्योंकि कि नो क्लेम बोनस के ऊपर भाई, अगर भाई इन्हीं के चक्कर में ना तो इंश्योरेंस में काम भी नहीं होता, बड़ी मुश्किल से कह कहा के अपना जैक जुगाड़ लगा लोगों को, भाई मैंने इंश्योरेंस कराया है और जब जाके गाड़ी का काम हुआ, काम होने के बाद भी भाई मेरा नट बुल्ट सारा कुछ इंश्योरेंस में कवर्ड था, और जब भी भाई उन लोगों ने मेरे से 7800 रुपये ले लिया, टायर के 50% दिया, क्यों, क्योंकि भाई क्योंकि टायर तो मेरा गाड़ी मात्र 1500-1600 किलोमीटर चली और उसके बाद भी भाई उन्होंने 50% टायर का चार्ज काटा है, ये देख रहे हो, तो ये चीज़ थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी, और ना भाई उसका पेंट अच्छे से हुआ, कुछ समझ से ही बाहर होगी भाई गाड़ी में ना, मैं आपको एक बार कंडीशन दिखाऊंगा गाड़ी के भी हो के आ गई वो, तो भाई कुछ मज़ा सा ना आया कि जैसे काम कराया और भाई क्वालिटी ना पेंट की अच्छी, डिसमैच पेंट मैच नहीं हो रहा भाई दोनों का, जो आगे का जो नया नया पेंट हुआ है ना वो नहीं हो रहा मैच, और भाई मैंने बम्पर पे जो क्रोम लगा रखी थी भाई वो भी नहीं लगा के थी, बोल रहे हैं कि भाई वो तो पता नहीं कहाँ गई, और वही वाला कहानी होगी ना भाई, सर्विस अच्छी नहीं लगी, मेन बात ये थी भाई मारुति की वो वाली, तो भाई बस यही है, तो मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगा भाई थोड़ा सेफ चलाया करो और सेफ रिया करो, क्योंकि भाई आज टाइम का नहीं पता लगता भाई कभी कुछ भी, और थोड़ा सेफली चला करो बस यही आप लोगों को कहना मेरा, तो भाई क्योंकि भाई कुछ नहीं रखा, एक मिनट में भाई क्या हो जाता पता नहीं लगता, ठीक है भाई, मैं एक बार आपको कंडीशन और दिखा दूंगा, और आप लोग कमेंट करके बताना कि बलिनो की बिल्ड क्वालिटी अपडेट होगी इस वाली से, मुझे तो लगता मारुति कभी अपडेट नहीं कर पाएगी, ठीक है, यही आज एक छोटी सी वीडियो है, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर देना, थैंक यू सो मच।